बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ विकास करना ही नहीं बल्कि भारत देश को सत्तार राष्ट्र बनाना है। संता चौक न्यू मार्केट में हुए कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, सांसद कैलाश जोशी सहित कई मंत्री और विधायक शामिल हुए और यज्ञ में आहुतियाँ डाली। तो वहीं भोपाल बाईपास बैरसिया रोड पर आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंजीनियरिंग डिग्रीधारी युवाओं को 10,000 और डिप्लोमाधारी को अब 8,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही कहा कि इंजीनियरिंग कर रहे युवाओं को अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा भी सीएम ने दिलाया। सीएम ने भोपाल बाईपास फोर लेन परियोजना और छोला रोड ओवरब्रिज का लोकार्पण के अलावा भोपाल बैरसिया सिरोज टू लेन परियोजना का भूमि पूजन किया। नगर निगम के स्पॉट फाइन अमले ने माता मंदिर में अपने ही कार्यालय के परिसर में स्पॉट कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान उसे मैनेट के छात्रों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। अमले के अलावा मैनेट के छात्रों ने मीडिया के साथ भी बदसलूकी की। गेहूं तौल में भले ही किसानों को मंडियों में कोई दिक्कत ना हो रही हो, लेकिन किसानों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर किसान जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजधानी की करौन मंडी में जब किसानों से बात की गई, तो उन्होंने व्यवस्थाएं तो ठीक बताई लेकिन भोजन खराब होने की बात कही। इस मामले में किसानों का कहना है कि भले ही भोजन के रेट बढ़ा दिए जाएं, लेकिन समय पर स्वादिष्ट भोजन दिया जाए। उधर मंडी सचिव के साथ कैटरिंग के कर्मचारी भी अपनी सफाई दे रहे हैं। गर्मी शुरू होने के बाद भी मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। 10 दिनों में मलेरिया के 5 नए पेशेंट सामने आ चुके हैं। वहीं स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 22 पहुंच गई है। डॉक्टर्स इन बीमारियों से बचने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। रिहायशी बस्तियों के बीच संचालित हो रहे हॉस्टल्स पर महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। महिला आयोग की अध्यक्ष का कहना है कि हॉस्टल्स के कारण वहाँ आसपास रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इधर नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि रिहायशी इलाके में व्यवसायिक गतिविधि की जांच की जाएगी। कर्मचारी संगठनों की सरकार के साथ हुई समझौता वार्ता बेनतीजा रही। कर्मचारियों की 51 सूत्री मांगों को लेकर 19 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की वित्त विभाग और जेएडी विभाग के अधिकारियों के साथ 1.5 घंटे चली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। अपनी मांगों को लेकर अब कर्मचारी संगठनों ने 9 अप्रैल को प्रदेशव्यापी सामूहिक अवकाश और 17 अप्रैल को अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। तो वहीं राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकारी संरक्षण संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सभा का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों ने निर्णय किया कि लंबे समय से की जा रही मांगों को लेकर कर्मचारी 9 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लेंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। अशोका गार्डन पुलिस ने लूट के 5 आरोपियों को पकड़कर लूट की 3 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस को 2 युवकों के संदिग्ध हालत में घूमने की सूचना मिली थी। पुलिस ने पकड़कर इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपने 3 साथियों के साथ लूट की वारदात करने की बात कबूल की। तो वहीं पुलिस ने इनके पास से लूट का 30,000 रुपए का माल बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक छोटू उर्फ छोटे पहले भी आर्म्स एक्ट में पकड़ाया जा चुका है। प्रदेश संत पुजारी संघ का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। भदभदा पुल के पास प्राचीन शिव मंदिर में हुए कार्यक्रम में फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम में कई संत और पुजारी शामिल हुए और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। जिजोतिया कल्याण परिषद रविवार को होली मिलन समारोह मनाएगा। समारोह सिद्धेश्वरी मंदिर साउथ टीची नगर में होगा। परिषद के पदाधिकारियों के मुताबिक समारोह की शुरुआत दुर्गा पूजन के साथ होगी, जिसके बाद भजन और बुंदेलखंडी फाग गीत का आयोजन किया जाएगा।